हेलो एवरीवन, आई होप अभी तक हमने जो फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रीवियस चैप्टर पढ़े हैं वो आपको समझ आए हैं। और थ्योरेटिकली अगर आपको समझ आ रहा है तो उसके साथ साथ आपको न्यूमेरिकल लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ वीडियो लेक्चर देख लेंगे और थ्योरी पढ़ लेंगे और सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ वीडियोज़ में, तो शायद उतना बेनिफिशियल नहीं होगा जितना कि आप खुद से क्वेश्चंस करेंगे तब होगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग ओवरनाइट किसी का नहीं होता है। जैसे हम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में करते थे, एक दो रात पहले पढ़ लिया, उसके बाद एग्ज़ाम दिया है, पास हो गए। देखिए वहाँ टीचर भी ऐसे थे जो पास कर देते थे और वहाँ सिर्फ थ्योरी भी लिख के आ जाते थे तो पास हो जाते थे। यहाँ सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट आपका डेवलप होता है जब आप क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन के थ्रू आपकी थ्योरी रिवाइज होती है, आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज होता है क्वेश्चन के थ्रू, तब कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि 100 क्वेश्चंस हो नहीं पा रहे हैं। दो टाइप के लोग हैं, जिनसे एक तो हो ही नहीं पा रहे हैं और जिनको क्वेश्चन मिल नहीं रहे हैं, क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे कि कहाँ से करें। देखिए जिनसे हो नहीं पा रहा है उनके लिए बता देता हूँ, स्टार्टिंग में अब सबका मेंटल लेवल डिफरेंट होता है, सबकी इंडिविजुअल कैपेसिटी अलग अलग होती है, क्योंकि कॉलेज में किसी ने कम पढ़ा होता है, किसी ने ज़्यादा पढ़ा होता है। बट अगर आप अभी से शांति से बैठ के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे, सारी रिडंडेंट एक्टिविटीज जो भी आपकी, जैसे कि सोशल नेटवर्किंग है, या फिर आप बाहर ज़्यादा जा रहे हैं, मार्केट ज़्यादा घूम रहे हैं, चाय वाय पीने चले जाते हैं, या फिर कुछ भी एक्स वाई जेड काम आप फालतू का जो कर रहे हैं जिसका कोई आपके पढ़ाई लिखाई से कोई ताल्लुकात नहीं, हाँ हफ्ते 10 दिन में आप एक बार दोस्तों के साथ बाहर निकलिए, कोई इशू नहीं है। बट हाँ, डेली बेसिस पर आप शाम को जो प्राइम टाइम है पढ़ने का, उसमें आप टाइम ख़राब कर रहे हो, चाय पीने जा रहे हो, 2 घंटे में आ रहे हो, 1.5 घंटे में आ रहे हो, वो गलत है। तो आप इन सारी एक्टिविटीज से दूर रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी विद इन अ मंथ और 1.5 मंथ्स आपकी स्पीड आ जाएगी और आप 100 क्वेश्चंस कर पाएंगे। दूसरा जो कह रहे थे क्वेश्चन मिल नहीं रहे हैं, देखिए भाई एक तो आपके पास कोई वर्कबुक होगी किसी भी इंस्टीट्यूट की, बिट्स बाइट है या कोई और प्रैक्टिस क्वेश्चन, कुछ भी होगा, कुछ तो रहा होगा आपके पास, प्लस आपके पास गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, प्लस ESC के ऑब्जेक्टिव हैं प्रीवियस ईयर। अगर आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं भी कर रखी है तो ये दोनों तो भाई अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, इन सब पे मिल जाता है, आप ख़रीद सकते हैं, सोल्ड क्वेश्चंस हैं सारे। प्लस वर्कबुक मैंने डिस्क्रिप्शन में स्टडी मटेरियल डाला हुआ है, उसमें है, मैकेनिकल वालों के लिए तो पूरा मटेरियल है, आप वर्कबुक वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो 3 सोर्स तो भाई पूरे हो गए हैं, 3 सोर्स तो बहुत होते हैं, अगर इन्हीं को आप रिपीट भी कर लेंगे तो बात बन जाएगी। नेक्स्ट एक चीज़ है कि डेली बेसिस पे करना क्या है। देखिए फर्स्ट हाफ में, मतलब कि लंच टाइम से पहले आप थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, उस थ्योरी से रिलेटेड आप क्वेश्चंस करेंगे सेकंड हाफ में। हाँ, जो कोचिंग गोइंग स्टूडेंट है डेफिनेटली वो फर्स्ट हाफ का जो मतलब है उनके लिए रहेगा, जो कोचिंग में वो पढ़ के आए थ्योरी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे अपने रूम पे आने के बाद, PG आने के बाद। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आप कर लेंगे डेफिनेटली, ये जो 3-4 किताब मैंने बताई है इनसे ये क्वेश्चन करेंगे। अगर टाइम बच जाता है तो आप अपने पेंडिंग वर्क पे जाएंगे, जो आपका पिछला छूटा हुआ है, मे बी आपने पिछले दिन का या उससे पहले दिन का क्वेश्चंस सारे कर नहीं पाए, जो ये वाले लोग थे जो कह रहे थे नहीं हो पा रहे कंप्लीट, तो अगर उस सेम डे का आप कर पा रहे हैं, स्पीड बढ़ गई है, तो पेंडिंग वर्क फिर आप उसके बाद करेंगे, ठीक है। और जैसे ही आपका एक सब्जेक्ट ख़त्म होता है, एक सब्जेक्ट जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, सैम्पल के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है शॉर्ट नोट्स का भी, वो भी आप देख लेंगे, स्टडी मटेरियल वाले में सारे इंक्लूडेड है, उसी में क्लिक करेंगे तो मिल जाएंगे आपको। शॉर्ट नोट्स बनाएंगे प्लस एक टेस्ट देंगे। टेस्ट में एक मेजर दिक्कत आ रही है लोगों को कि कोई एक इंस्टीट्यूट का टेस्ट लेने के बाद उसके या तो टेस्ट खुले नहीं हैं, या फिर जो सब्जेक्ट हमने कवर किया है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टेस्ट जो है किसी और सब्जेक्ट के साथ कंबाइंड है। जनरली कोचिंग सेंटर क्या करते हैं, जो मेजर सब्जेक्ट है उनके सेपरेट टेस्ट पेपर बन जाते हैं सब्जेक्ट वाइज, बट जो छोटे सब्जेक्ट हैं जैसे पावर प्लांट है, मशीन डिज़ाइन है, फ्लूइड मशीनरी है, एप्टीट्यूड है, मैकेनिक्स है, इन सब्जेक्ट के पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन पेपर बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इन लोगों के लिए, तो ये कंबाइन कर देते 2-3 सब्जेक्ट। तो आपने एक सब्जेक्ट किया तो दूसरे का टेस्ट कैसे देंगे, ऐसे में आप कैसा कर सकते हैं, एक स्टैंड बाय टेस्ट सीरीज ले लीजिए किसी भी इंस्टीट्यूट की,
फॉर एग्जांपल अगर आपने मे डी के लिए रखी है तो आप दूसरा एस की ले लें, ठीक है। तो किसी एक पे मेन फोकस रखेंगे जिस पे आप शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अगर उस आपकी जो मेन टेस्ट सीरीज है उसमें वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट कंप्लीट, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टेस्ट ओपन नहीं हुआ है या फिर कंबाइंड है, तो आप ये जो सब्स्टिट्यूट वाली जो टेस्ट सीरीज है उसमें से वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट कर लेंगे। अगर दोनों में ही नहीं खुला है तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बाद में कर लेना। हाँ, बट 100 questions ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में नहीं हो रहा है तो 60-70 तक इट्स ओके, बट विद इन अ मंथ आपको 100 question तक पहुँच जाना है किसी भी हालत में, और आप डेफिनेटली पहुँच जाएंगे अगर आप शांति से बैठ के पढ़ेंगे। देखिए, आपके पास कोई काम धाम नहीं है, रात को आराम से 10:30-11 बजे सो जाइए, सुबह 6:30-7 बजे तक उठ जाइए, और अगर कोचिंग है तो क्लास अटेंड करिए, एल्स अपने पढ़ाई करिए। एक साल पढ़ना है, सब बिंदा सेटल हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लेमिनार फ्लो, थोड़ा सा बेसिक देखेंगे आज। नेक्स्ट वीडियो में लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप देखेंगे, और उसके बाद करेक्शन फैक्टर, उसके बाद लेमिनार फ्लो बिटवीन फ्लैट प्लेट्स, ठीक है। आज हम थोड़ा बेसिक देखेंगे, थोड़ा सा बेसिक आप समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो बाकी जो फर्दर लेक्चर्स हैं लेमिनार फ्लो पे वो आपको ईजी लगेंगे। देखिए, जनरली फ्लूड मैकेनिक्स लोग कर लेते हैं, बस दिक्कत लोगों को आती है लेमिनार फ्लो में, और फिर बाद में जो टर्बुलेंट फ्लो आता है, टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो में दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि फॉर्मूलाज बहुत ही गंदे गंदे टाइप के होते हैं, बहुत ही गंदे गंदे टाइप के फॉर्मूलाज होते हैं, इसलिए लोग रो देते हैं। सारी चीज़ें बेसिक से पढ़ेंगे, और सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि हमारे क्वेश्चंस बन जाए। हमारा टारगेट साइंटिस्ट बनना नहीं है, हमारा टारगेट है गेट एंड ईएससी में जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे सॉल्व हो जाएं दोनों के, ठीक है। अगर आप भाई आपको रिसर्च करनी है तो आप गेट ईएससी निकालिए, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाइए, उसके बाद आराम से शांति से बैठ के करिए। क्योंकि मैं एवरेज स्टूडेंट था, मुझे डेप्थ में, इन डेप्थ आपको साइंटिस्ट बना दूँ इतनी नॉलेज नहीं है। मैं आपको इतना पढ़ा सकता हूँ कि आपका गेट और ईएससी इनमें क्वेश्चन अटकेगा नहीं, ठीक है। और हाँ, साइंटिस्ट और इन सब में कोई खास डिफरेंस होता नहीं है। बीएआरसी का इंटरव्यू क्लियर किया था मैंने, मुझे पता है कि कितना पूछते हैं कितना नहीं पूछते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो डेफिनेटली आप हर साइंटिफिक पोस्ट वाले जो इंटरव्यूज़ हैं वो भी क्लियर कर सकते हैं इजीली। बट आपके अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं तो कसम से ये इंटरव्यूज़ आपको बहुत डिफिकल्ट लगेंगे, बट एक्चुअल में इतने डिफिकल्ट होते नहीं जितना लोग बोलते हैं। पॉइंट ये है कि आपको अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखने हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखेंगे रेनॉल्ड्स नंबर, रिपीटेडली यूज़ होगा रेनॉल्ड्स नंबर आपका, डायरेक्ट अगर फॉर्मूला की बात करें तो ये होता है। रो डेंसिटी है, वी वेलोसिटी है, डी ये इम्पोर्टेंट है, करैक्टरिस्टिक लेंथ। अगर फ्लो पाइप के थ्रू है तो पाइप का जो डायमीटर है वो ही डी होता है, ठीक है। अगर फ्लो आपका फ्लैट प्लेट पे है तो जो प्लेट की लेंथ है वही डी है। फॉर एग्जांपल मान लो ये पाइप है, पाइप से अगर फ्लो है तो पाइप का जो डायमीटर है इसी को डी बोलेंगे, ठीक है। अगर प्लेट पे आपका फ्लो हो रहा है, ये डायरेक्शन में अगर आपका फ्लो है तो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है यही आपका डी होगा। डी मतलब कि ये जो डी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। फ्लो की डायरेक्शन में लेंथ देखेंगे, अगर फ्लो इस डायरेक्शन में होता तो ये लेंथ जो है वो हमारी डी होती, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर सेक्शन कुछ और है, फ्लैट प्लेट भी नहीं है और ये सर्कुलर भी नहीं है, कोई और क्लोज सेक्शन है, मान लीजिए स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोमबस, कोई भी एक्सरसाइज टाइप की डक्ट आपकी है, उसके लिए अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला रहता है 4a/p। ए क्या है? एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है जहाँ से फ्लो हो रहा है वो एरिया। पी क्या है? पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब कि ये जो टोटल लेंथ इसकी है, ये अब निकाल लेंगे मेरे हिसाब से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो अलग अलग डिफाइंड कैसे होते हैं? हमारे लिए मेजर इंपॉर्टेंट रहेगा पाइप्स एंड प्लेट्स। प्लेट्स का मेजरली हम हीट ट्रांसफर में यूज़ करेंगे, और पाइप्स का हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत यूज़ होगा। मतलब थोड़ा बहुत ये भी आएगा, बट हाँ, मेजर यूज़ जो हमारा है पाइप्स का वो FM में है, और प्लेट्स का हीट ट्रांसफर में है। ओपन चैनल जो है और सॉइल जो है, ये आपका सिविल ब्रांच के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है।
पाइप फ्लो के लिए अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से कम है तो लेमिनार फ्लो है, और अगर 4000 से ऊपर है तो टर्बुलेंट फ्लो है। इनके बीच में क्या है, एक ट्रांजिशन जोन होता है, ना लेमिनार फ्लो होता है ना टर्बुलेंट फ्लो होता है, बीच का कुछ होता है 2000 से 4000 के बीच में अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू है तो। ये कंडीशन है पाइप फ्लो के लिए। अगर वही हमारा प्लेट है तो रेनॉल्ड्स नंबर अगर 500000 से कम है तो लेमिनार फ्लो है, 500000 से ज़्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो है। इसमें ट्रांजिशन जोन की बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो काफ़ी स्मॉल होता है, बहुत कम होता है, नेगलेक्ट हम कर सकते हैं। हाँ, अनलेस कि आप रिसर्च नहीं कर रहे हैं, साइंटिस्ट बनने नहीं जा रहे तो आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ गेट एंड ईएससी का आपका टारगेट है तो आप ईजिली नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, वैल्यूज़ आपको चाहिए तो आप अपने मन की शांति के लिए देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हेड लॉस समझते हैं, जब पाइप में फ्लो होता है तो कुछ ना कुछ लॉसेज होंगे, ठीक है। मान लीजिए 0.1 है, ये 0.2 है, ये सिंपल जो हमने पिट आउट ट्यूब पढ़ा था उस टाइप से हमने सिर्फ पाइप में ऊपर समझने के लिए ट्रांसपेरेंट ट्यूब्स लगा दिए हैं। यहाँ जो टोटल फ्लूड लेवल है वो यहाँ तक का है, यहाँ टोटल फ्लूड लेवल यहाँ तक का है, ठीक है। तो इस लेंथ में जो हेड लॉस हुआ है उसको हम डिनोट करेंगे एच एल से, हेड लॉस, ठीक है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, इनके बीच का जो गैप आया है ये जो हेड डिफाइन होगा यही अपना हेड लॉस होगा। किसी भी पॉइंट पे हमने पढ़ा था P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो 0.2 पे है, ठीक है। प्रेशर की वजह से कुछ हेड मिलता है, कुछ डेटम हेड है जो भी हम डेटम मान रहे हैं, और कुछ हमारा काइनेटिक हेड है, मतलब कि टोटल एनर्जी है, एक टाइप से आप कह सकते हैं। जो टोटल एनर्जी में जो डिफरेंस आएगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब हम जाएंगे, और बीच में इस पूरी लेंथ में कोई भी एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मतलब बाहर किसी फॉर्म में एनर्जी नहीं जा रही है, तो जो डिफरेंस आएगा टोटल एनर्जी का वो हेड लॉस होता है, ठीक है। हाँ, गिवन दैट कि आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन में एरिया सेम है तो वेलोसिटी दोनों तरफ सेम होगी, तो ये जो वेलोसिटी फैक्टर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल आपका जो प्रेशर का लॉस होगा वही हेड लॉस हो जाएगा। चलिए समझते हैं इस चीज़ को, हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए देखते हैं। हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए जब देखेंगे तो इक्वेशन ये हमने लिखी, बट इसमें Z1 और Z2 हमने नहीं लिखा क्योंकि पाइप हॉरिजॉन्टल है, डेटम लेवल सेम होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, यूनिफॉर्म पाइप है, मतलब कि एरिया सेम है, A1 इक्वल टू A2 है तो डेफिनेटली V1 इक्वल टू V2 भी होगा, और ये क्वांटिटी भी कट जाएगी। ये टर्म लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो P1 माइनस P2 बाई रोजी इज इक्वल टू HL, ये हमारा क्या है, हेड लॉस फॉर हॉरिजॉन्टल पाइप। देखते हैं अगर पाइप हमारी इंक्लाइंड हो जाती है, सिंपल कुछ नहीं है, Z1 और Z2 है, ये इस बार कैंसिल आउट नहीं होगा। हाँ, वेलोसिटी कैंसिल आउट हो जाएगी अगर हमारा एरिया सेम है तो, ठीक है। ये जो टर्म है और ये जो टर्म है दोनों को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो हमारा बचेगा P1 बाई रो जी प्लस Z1 माइनस P2 बाई रो जी प्लस Z2 इज इक्वल टू हेड लॉस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डार्सी विजबैक इक्वेशन। ये इक्वेशन देखिए वैलिड होती है लेमिनार फ्लो के लिए, टर्बुलेंट फ्लो के लिए भी, हॉरिजॉन्टल हो पाइप, इंक्लाइंड हो, कुछ भी हो, मतलब कि अगर पाइप फ्लो है, इन जनरल कोई भी पाइप फ्लो है तो ये इक्वेशन वैलिड रहेगी हेड लॉस के लिए, ठीक है। इक्वेशन है हमारी FLV² / 2GD। समझ लेते हैं कौन सी चीज़ क्या है, एक इम्पॉर्टेंट जो है वो यही है, फ्रिक्शन फैक्टर। इसका डेरिवेशन हम आगे फर्दर वीडियोस में देखेंगे, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लेंगे क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए और जनरली बहुत बार क्वेश्चंस में गिवन होता है। कुछ बुक्स में यहाँ 4F लिखा होता है, वो क्या होता है, फैनिंग फैक्टर होता है। अगर रिलेट करें दोनों चीज़ को तो इस तरह से होता है, मतलब फ्रिक्शन फैक्टर जो है वो आपका 4 times आपका फैनिंग फैक्टर होता है।
तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कि वो फ्रिक्शन फैक्टर दे रहा है या फिर फैनिंग फैक्टर दे रहा है, ठीक है। इसी में गलती हो जाती है बच्चों से, और डेफिनेटली 4 times का आपका इसका कोरिलेशन है। तो ऑप्शन में मान लीजिए एक्चुअल आंसर अगर 5 meter है तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं 5/4 मतलब कि 1.25 एंड 5 × 4 20 दोनों ऑप्शन मिलेंगे आपको, ऑप्शन ए बी सी एंड डी कुछ कुछ करके, मतलब कि जो कॉमन एरर होता है वो आपका हमेशा रखता है वो ऑप्शंस में। नेक्स्ट एल है, एल क्या सिंपल है, पाइप लेंथ, ठीक है। वी वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी थ्रू पाइप। एवरेज वेलोसिटी मैंने इसलिए बोला है क्योंकि पाइप फ्लो हम जब पढ़ेंगे तो उसमें जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग होता है, वो हम देखेंगे फर्दर वीडियोज़ में। यहाँ जो वी का मतलब है वो एवरेज वेलोसिटी है जी, आप सबको पता है। डी पाइप का डायमीटर, ठीक है। आई होप इस इक्वेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन फर्दर लेसन्स में हम यूज़ करेंगे जब हम लॉसेस पढ़ेंगे पाइप में, तब मेजरली यूज़ होगी, फिलहाल आपके समझने के लिए बेसिक के लिए। चलिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो देखते हैं। देखिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, एंड फ्लो जो है वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जाएगा, ठीक है। केस वन अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें क्या है, एरिया ए वन इक्वल टू ए टू है, तो जो काइनेटिक हेड है वो वी वन वी टू बराबर होने की वजह से सेम हो गया, और जो डेटम हेड अगर हॉरिजॉन्टल पाइप है तो जेड वन इक्वल टू जेड टू हो गया, मतलब कि डिसाइडिंग फैक्टर क्या हो गया, प्रेशर एनर्जी, ठीक है। अगर इंक्लाइंड पाइप है तो आपका वेलोसिटी सेम रहेगा, अगर एरिया सेम है तो जो रिजल्ट है, जो टोटल एनर्जी है वो पी बाय रो जी एंड डेटम, ये दो का जो सम रहेगा ज़्यादा रहेगा वहाँ से फ्लो होगा, मतलब कि पीजोमेट्रिक हेड, इन दोनों के सम को हम पीजोमेट्रिक हेड कहते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पीजोमेट्रिक हेड जिसका जिस पॉइंट का ज़्यादा होगा वहाँ से फ्लो होगा दूसरे पॉइंट की तरफ। फर्दर अगर कोई जनरल पाइप है तो सिंपल सी बात है, टोटल एनर्जी हम सीधा कंपेयर करेंगे। ओवरऑल हम क्या है, जनरल टोटल एनर्जी ही देख रहे हैं, जिस पॉइंट की टोटल एनर्जी ज़्यादा होगी वहाँ से फ्लो होगा। मान लीजिए यहाँ पे हायर एनर्जी है और यहाँ पे लोअर एनर्जी है, टोटल एनर्जी की बात हो रही है, तो फ्लो ऐसे होगा। और अगर एनर्जी सेम है दोनों जगह तो फ्लो नहीं हो रहा होगा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक आपका कंप्लीट हो गया, बेसिक से है, जनरल क्वेश्चन आप कह सकते हैं। कंसिडर अ स्टेडी इनकम्प्रेसिबल इरोटेशनल फ्लो थ्रू अ रेड्यूसर इन अ हॉरिजॉन्टल पाइप वेयर द डायमीटर रिड्यूसेस फ्रॉम 20 centimeter टू 10 centimeter, ठीक है। द प्रेशर इन द 20 centimeter जस्ट अपस्ट्रीम ऑफ द रिड्यूसर इज 150 kilopascal। द फ्लूइड हैव अ वेपर प्रेशर ऑफ 50 kilopascal एंड द स्पेसिफिक वेट 5000 newton per meter cube। नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन इफेक्ट द मैक्सिमम डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड दैट कैन पास थ्रू द रिड्यूसर विदाउट कॉजिंग कैविटेशन इज। देखिए कैविटेशन ना हो इसका मतलब क्या है, तो कि जो एंड टू है, ये सेक्शन वन है, सेक्शन टू है, टू पे प्रेशर या तो 50 के बराबर हो या 50 से ज़्यादा हो। गिवन क्या है कि जो वन पे प्रेशर है वो 150 kilopascal है, ठीक है। तो इससे या इससे ज़्यादा, तो मतलब ये वैल्यू यूज़ करके हम आंसर निकालेंगे तो हमारा मैक्सिमम डिस्चार्ज आ जाएगा, कि इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली ये वैल्यू इससे नीचे चली जाएगी। एक जो गिवन कंडीशन है वो रो जी की वैल्यू इन्होंने गिवन है 5000 newton per meter cube, इनिशियल डायमीटर है और फाइनल जो आपका रिड्यूसर के एंड पे डायमीटर वो दिया हुआ। बर्नौली से इक्वेशन लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल पाइप है तो जेड टू और जो जेड वन है ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस टर्म को लेफ्ट साइड लेके आएंगे और इस टर्म को राइट साइड लेके आएंगे, तो इक्वेशन हमारी रिड्यूस होके आ गई है। प्लस
कंटिन्यूटी इक्वेशन जब हम लगाएंगे, ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू, इनकम्प्रेसिबल फ्लूड है तो डायरेक्टली हम लगा सकते हैं। हाँ, एरिया क्या होता है पाइप का, एरिया क्या, पाई डी स्क्वेयर बाय फोर, मतलब डी स्क्वेयर का प्रोपोर्शनल है। तो अगर डायमीटर डी वन ट्वाइस है डी टू के, तो एरिया ए वन क्या हो जाएगा, फोर टाइम्स हो जाएगा ए टू के। दिस इम्प्लाइज आपका वी टू फोर टाइम्स हो जाएगा वी वन के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जो वी टू की वैल्यू है यही यहाँ पे रख दिए 16, इसको स्क्वेयर करेंगे तो वी टू स्क्वेयर जो हमारा है 16 वी वन स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, यही वैल्यू यहाँ पे इसकी जगह रख दिए। सिंपल है, ये जो क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी थी 150 माइनस 50 किलो पास्कल में था, पास्कल में करने के लिए 1000 मतलब ट्राई कर दिया, नीचे 5000 ऑलरेडी है, 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वी वन की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी, वी वन आ गया, तो ए वन इंटू वी वन आपका डिस्चार्ज आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप वेरीफाई कर लेंगे, कोई अगर डाउट है कैलकुलेशन में तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। ठीक है, ये हुआ लैमिनार फ्लो का बेसिक। बेसिक तो क्या है कि हमने सब कर लिया है, अगर हमने बर्नौली इक्वेशन कर लिए तो मोस्ट ऑफ द चीज़ हमने कर ली है। कोई छोटी छोटी चीज़ें हम इंट्रोड्यूस करेंगे बीच बीच में, फॉर एग्जांपल शीयर स्ट्रेस थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमें फ्लो थ्रू पाइप पढ़ना है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, शीयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम लैमिनार फ्लो के लिए पढ़ेंगे, विन इन पाइप एंड इन बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, ये दो ही हमारे सिलेबस में, पाइप पाइप के थ्रू एंड पैरेलल प्लेट्स के थ्रू। तो नेक्स्ट दो वीडियोज़ में हम ये सब देखेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो से आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। फर्दर मेरा एक ही आपसे निवेदन है कि अपना कंफर्ट जो जोन है उससे बाहर आइए, कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तो पढ़ाई लिखाई सब हो जाएगी, परफेक्टली आप इंजॉय कर पाएंगे। कंफर्ट जोन से बाहर आने का मतलब है कि आपका मन करता है कि सो जाऊं, वो आपका कंफर्ट जोन, आपका मन कर रहा है सोने का, आपका मन कर रहा है मैं मूवी देख लूं पढ़ूं ना, वो आपका कंफर्ट जोन है। आपको लग रहा है कि मैं खाना खाने चला जाऊं, चाय पीने चला जाऊं, दोस्तों के साथ बातें मार लूं, घर वालों के सामने दुखड़ा रो लूं, ये सारे आपके कंफर्ट जोन हैं। इन सब से बाहर आइए यार, आप बच्चे नहीं हैं कि आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ बताई जाए, सारी चीज़ त्याग दीजिए। अगर आप अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो कसम से मेरे भाई आप ज़िंदगी में करेंगे क्या? आप खुद ही सोच के देखिए, अगर आप एक साल के लिए अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में कहीं स्टैंड नहीं करेंगे। चलिए, अच्छे से पढ़िए, स्टे फोकस एंड ऑल द बेस्ट। कोई डाउट है, पर्सनल इशू है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, कोई क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेरी है तो टेलीग्राम का जो लिंक है, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ, वो ज्वाइन करिए और वहाँ डिस्कस करिए। आपके जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो कि एक दूसरे से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।